जब आप अपने आप को बदलेंगे, मैं भविष्यवाणी करता हूं, तो आपके हालात बदल जाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। यदि आप अपने आप को बदलने के लिए तैयार है तो आपके हालात बदलने के लिए तैयार है। जितने लोग ऑनलाइन, फेसबुक, यूट्यूब, न्यूजीलैंड ब्रांच, इटली प्रेयर ग्रुप, जितने भी लोग मेंटरशिप में जुड़े हुए पार्टनर्स हैं, मैं आपको भविष्यवाणी देता हूं कि अगर आप अपने आप को बदलने के लिए तैयार है वचन के अनुसार, तो आपके हालात बदलने के लिए तैयार है, तो आपके हालात बदलने के लिए तैयार है, तो आपके हालात बदलने के लिए तैयार है। अगर आपका आमीन ऊंचा है तो आपके हालात बदल रहे समय, राइट नाउ बदल रहे समय, राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ। बालियो संबरिका, एक मिनट अन्य भाषा में प्रेयर करो, ओनली वन मिनट, और फायर के साथ अन्य भाषा। रबा को समा खाली तो रबा से शबाल खेरे मोथो रोमो नो थो रबा खाला बोरुशिक लिपो रोको मोदो लोबो रोको लोबो शको लोको रोको तको रोको रोको बोको तको रोको सको रोको तको लोको रबो संब्रेबे संब्रेबे तेने में सोरो थो नमा सोरे थे रितेने में सोंद्रमा सो लिप्रे बेके ले कोरियो सोंदो नमासो लिम्बेरे बेके से कोरे तेने में से लिम्ब्रोंदो नमासो रोदो नमोसो रेबेले को रोदो नो दो रोबो कोलो रोबोश। जो लोग अन्य भाषा बोल चुके, एक मिनट फायर के साथ आत्मा से भर के, प्रभु का आत्मा बता रहा है उनकी स्पिरिट ट्यून हो चुकी है परमेश्वर से ग्रहण करने के लिए, परमेश्वर से ग्रहण करने के लिए उनकी आत्मा तैयार हो चुकी है। 10 बार बोलो हालेलुया हालेलुया। ऊपर खाना हालेलुया 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 हालेलुया, बोलते जाओ हालेलुया 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 हालेलुया। कुछ तो हो रहा है, मैंने कहा किसी के नाम गग्गू है, गग्गू गग्गू करके उसे बुलाते, कुछ तो हो रहा है तेरी लाइफ में। रब्बा बब्बा बोलो हालेलुया 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 हालेलुया। यस, प्रभु का आत्मा बोल रहा है, जिन लोगों ने हालेलुया बोला और आत्मा से जोश से भरकर बोला है और दिल से मेरी स्तुति की है, उसकी आराधना के ऊपर, उसकी स्तुति के ऊपर मैंने विराजमान होके उसके काफी बंधन मैंने तोड़ दिए हैं, बंधन तोड़ दिए हैं। अब वो आगे बढ़ पाएगा, क्योंकि डिलीवरेंस आपको आगे लेकर जाती है। जब तक आपकी लाइफ में बंधन ही टूटते हैं, डिलीवरेंस नहीं होती कई पार्ट्स में, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाते अपनी अपनी लाइफ की और अपने डिसीजंस की और अपने पैशन की और अपने उस स्थान की और उस प्लाट की और जिसके लिए परमेश्वर ने चुना है। पर जिन्होंने अन्य भाषा और हालेलुया बोला है, परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है उनके बंधन टूट चुके हैं कुछ के। उज्जा बल्ला बरा थंदा नमासा यीशु यीशु, पुकारना शुरू करें यीशु यीशु यीशु। जो यीशु बोल रहे हैं उनके अंदर पीस आ रही है, चाहे वो कितने भी दुख से होके गुजरे हैं, प्रभु का आत्मा बता रहा है उनके अंदर आनंद आ रहा है, आनंद पीस आ रही है, शांति आ रही है। बोलो यीशु 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 नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम। नमा जासा माला खुना निक्रिय थो नमा लिखा नमा सा यीशु नामा यीशु नामा यीशु नामा यीशु नाम है, जीसस नेम है यीशु रा निहितो नामा सा यीशु नाम यीशु यीशु यीशु। ये पावरफुल प्रेयर है, ये नॉर्मल प्रेयर नहीं है, जे कोई सीखी सिखाई प्रेयर नहीं है, जे कोई तैयार की हुई प्रेयर नहीं है, जे आत्मा के द्वारा प्रार्थना है। और अगर आप मेरे साथ इस प्रेयर में साथ देंगे तो कुछ तो हो रहा है अद्भुत आपकी लाइफ में, उस प्रेजेंस को आप महसूस कर पा रहे हैं कि जे आत्मा के द्वारा प्रेयर हो रही है। हुब्बा नामा शिखा नामा सा होली स्पिरिट मुझे अगुवाई कर रहा है आपको आशीषित करने के लिए इस बात के द्वारा कि यीशु मसीह को आप जैसा समझते हैं वो आपके साथ वैसा करता है।
तो क्यों ना आज हम आत्मा में मनन करो उसके नाम के ऊपर। बोलो यीशु नाम चंगा करने वाला नाम है। बोलो बोलो यीशु नाम चंगा करने वाला नाम है। यीशु नाम चंगा करने वाला नाम है। ओ रबा खांदा, मैंने कहा प्रोफेटिकली कुछ तो हो रहा है आपकी लाइफ में। बोलो यीशु नाम चंगा करने वाला नाम है। ऑनलाइन आप चंगे हो रहे हैं, शोर आप चंगे हो रहे हैं, चर्च आप चंगे हो रहे हैं, ऑनलाइन आप चंगा हो रहे हैं। बोलो यीशु नाम चंगा करने वाला नाम है। आत्मा से भर के बोलना है, जो बोलना है आत्मा से भर के, फ्लो में, स्पिरिट में, विश्वास के साथ। लेकिन जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगे उसमें विश्वास करें, संदेह ना करें, शक ना करें। बोलो यीशु चंगा करने वाला ईश्वर है। आप जैसा बोलेंगे वो आपके साथ वैसा है। और मैं भविष्यवाणी दे रहा हूं, जो मैं वर्ड आपको बोलने वाला हूं लोगों के ऊपर, सच में बोल रहा हूं, आप सुंदर और स्मार्ट होने वाले इस प्रेयर को सुनने के बाद। आपकी टेस्टिमनी आने वाली है, जो शैतान ने आपकी सुंदरता खोई हुई है, आपकी लुकिंग खोई हुई है, आपका शरीर कमजोर हो चुका है। मैंने कहा आप सुंदर और स्मार्ट बनने वाले, आप ब्यूटीफुल बनने वाले, आप ब्यूटीफुल बनने वाले, आप परमेश्वर के फेवरेट चाइल्ड है और आप ब्यूटीफुल बनने वाले, आप सुंदर बनने वाले, आप स्मार्ट बनने वाले। अगर आप बोलेंगे यीशु मेरा सुंदर है, बोला 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 यीशु मेरा सुंदर है, मेरा यीशु सुंदर है, मेरा यीशु सुंदर है, उसके सुंदर चेहरे को अपने दिल में रख के बोलो, बोलो यीशु मेरा सुंदर है, मेरा यीशु सुंदर है। वर्शिप टीम बोलो, जिनके पास माइक है, क्वायर बोलो ऊंची ऊंची आवाज में, मेरा यीशु सुंदर है। आपकी आवाज मुझे ऊंची सुननी चाहिए। यीशु मेरा सबको सोना, यीशु मेरा सबको सोना, उसकी अमीज को रखे ओदे वर्गा कोई होर न होना, ओदे वर्गा कोई होर न होना। यीशु मेरा सबको सोना, ऊंची आवाज से बोले अगर आप इस प्रोफेसर को रिसीव करना चाहते हैं। सबको सोना ओदे वर्गा कोई होर न होना, ओदे वर्गा कोई होर न होना। यीशु मेरा सब तो सोना, मेरा सब तो सोना, ओदे वर्गा। यस, रिसीव करो ऑनलाइन, रिसीव करो ये वंडरफुल ग्रेस, अनॉइंटिंग ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ रही। यीशु को आप जैसा मानते वो आपके साथ वैसा है। यीशु मेरा सब तो सोना, मेरा सब तो सोना, ओदे वर्गा कोई होर न होना, ओदे वर्गा कोई होर न होना। यीशु मेरा सब तो सोना, रिसीव करें। यीशु तू सुंदर है, यीशु तू सुंदर है, यीशु तू सुंदर है, तू मधुर है, तू शहद से भी मीठा है। अगर आप बोले यीशु तू शहद से भी मीठा है, तू मीठा है, तो आपके अंदर मिठास बढ़ रही है। चाहे मैं आपको चर्च में शहद दूं जाए ना खाने को, पर अगर आप इस वर्ड को बोल रहे हैं कि यीशु तू मीठा है, क्योंकि यीशु को आप जैसा मानते हैं वैसी मिठास आपके अंदर आती है। चाहे आप जितने मर्जी कड़वे हैं, चाहे जितने मर्जी क्रोधी हैं, आपके अंदर गुस्से की आत्मा आज निकल जाएगी और आप मीठे हो जाएंगे। रिसीव करो चर्च, आप मिठास से भर रहे हैं। रिसीव करो चर्च, रिसीव करो ऑनलाइन, आप मिठास से भर रहे हैं। रस्सी रस्सी कहीं के ऊपर पवित्र आत्मा उतर है और भर रहे हैं। आप ऑनलाइन लाइव देख रहे हैं मुझे और आप भर रहे हैं पवित्र आत्मा में। आपने रेड कलर का कुछ सूट पहना है, ऐसा कुछ टॉप साइड सूट कुछ पहना है और प्रभु का आत्मा आपको छू रहा है और आप पवित्र आत्मा से भर रहे हैं। यीशु तुम मीठा है, यीशु तुम मीठा है,
परमेश्वर ने कहा तुम नमक हो पृथ्वी के, और जब तुम लोगों के बीच में घुलोगे जाके तो वो लोग भी तेरे द्वारा स्वादिष्ट हो जाएंगे, वो लोग भी तेरे जैसे सुंदर हो जाएंगे, वो लोग भी तेरे जैसे सामर्थ्य और ब्लेस हो जाएंगे। आज मैं आपको ब्लेस करता हूं नमक में। जो नमक आपका खराब हो चुका है, लेकिन जिसका नमक जाता रहा वो फेंक दिया जाता है, वो लोगों के पैरों के तले रौंदा जाए, जिनका स्वाद खत्म हो चुका है नमक का। अगर आपके अंदर नमक का स्वाद खत्म हो चुका है तो मैं बोलता हूं रिसीव करो। आमीन बोलो, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव नाउ, रिसीव, 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 रिसीव। अशबाला कर नमा तो नमा सकल रपा खाला बराखी तो नमस्कार। बोलो यीशु मसीह, हम आपकी मुस्कुराहट के ऊपर मनन करते हैं कि आप जिसकी ओर मुस्कुरा देते थे उसकी जीवन बदल जाता था, उसके हृदय में आनंद आ जाता था। बोलो यीशु मसीह, तेरी मुस्कुराहट बहुत अच्छी है, तू बहुत अच्छा है परमेश्वर, तेरी स्माइल बहुत अच्छी है यीशु मसीह। हमारे अंदर भी ऐसी मुस्कुराहट भर दे परमेश्वर, रिसीव कर मुस्कुराहट को, रिसीव कर। मैं आपके ऊपर हंसी को, खुशी को और आनंद को घोषणा करता हूं यीशु के नाम में। मैं आपके ऊपर हंसी को, खुशी को और आनंद की घोषणा करता हूं यीशु नाम में। रिसीव करो यीशु के नाम में। ऊंची आवाज के साथ एक चीज मेरे पीछे बोलो, एक अंगीकार करो, बोलो हंसते रहो, हंसाते रहो, शैतान को रुलाते रहो। बोलो हंसते रहो, हंसाते रहो, शैतान को रुलाते रहो, शैतान को रुलाते रहो, शैतान को रुलाते रहो। कुछ लोग शैतान की आत्मा को जिसने आपको रुलाया, दुख दिया, परेशान किया, पैर के नीचे रखो और कुछ लो यीशु के नाम में, कुछ लो, कुछ लो, कुछ लो, कुछ लो। रिलीज करो फायर हर अंधकार की शक्तियों के ऊपर, क्योंकि आप भर चुके हैं पवित्र आत्मा के साथ। अब टाइम है शैतान के सामने लड़ने का। रिलीज करो फायर, फायर, फायर। जो भी आत्मा आपको परेशान करती है उसका नाम लेकर फायर बोलो। खाली फायर बोलने से कुछ नहीं होगा, खाली फायर बोलने से कुछ नहीं होगा। उस स्पिरिट का नाम लो जो आपको परेशान करती है। मैंने अपनी डिलीवरेंस मिशनों में देखा है, आपने सुनना है इस बात को, मैंने अपनी डिलीवरेंस मिशनों में देखा है, जब मैं दुष्ट आत्मा का नाम लेता था कि दुष्ट आत्मा इसके पेट को छोड़, इसके सिरसे को छोड़, मैं इसके इस अंग में फायर भेजता हूं, तो दुष्ट आत्मा के ऊपर असर होता था। दुष्ट आत्मा का नाम जान लेना कि वो कौन सी स्पिरिट है, तो आप उसे जल्दी निकाल देते हैं। जो एक रेवलेशन है, एक भेद है। जब आप समझ जाते हैं कि मेरे जीवन में कौन सी आत्मा काम करती है। मैंने ऐसे जूत को डिलीवर होते देखा जिनको मैंने बताया कि जे बेविचार तेरी आदत नहीं है, जे एक दुष्ट आत्मा है बेविचार की तेरे जीवन में। और जब उसे पता चला जे एक स्पिरिट है, और उसने फायर प्रे करना शुरू की, बेविचार की आत्मा का नाम ले लेके उसके ऊपर आग दी, और उसके बाद वो फ्री हो गया बेविचार की आत्मा से। मैंने कहा जो दुष्ट आत्मा को परेशान कर रही है, डिले की आत्मा, फेलियर की आत्मा, असफलता की आत्मा, नशे की आत्मा, व्यभिचार की आत्मा, चोरी की आत्मा, झूठ की आत्मा, गुस्से की आत्मा, जो भी आत्मा आपको ज्यादा सोने की आत्मा, टाइम वेस्ट की आत्मा, फोन से जकड़ने वाली आत्मा, जो भी आत्मा को परेशान करी आपकी लाइफ में दिख रही है, रिलीज करो फायर। मैं ऊंची आवाज के साथ फायर के साथ आपको प्रेयर करते हुए देखना चाहता हूं। ऑनलाइन करो प्रेयर, रिलीज करो फायर। Yes, yes, more power. मैं आपकी फायर के ऊपर फायर भेजता हूं, अनॉइंटिंग को भेजता हूं। जब आप फायर बोले तो वो शैतान, वो स्पिरिट आपकी लाइफ से जाए, क्योंकि आप जानते हैं आपके अंदर कौन सी आत्मा काम कर रही है।
अगर हथौड़ा एक जगह सही टाइम पर मारता जाए, अगर कुल्हाड़ा एक जगह बजता जाए तो दरख्त जल्दी हिल जाता है, गिर जाता है। एक जगह मारो उस स्पिरिट का नाम लेके, फायर फायर फायर, उस आत्मा का नाम लेके हुए ऐसे प्रेयर करो, ए नशे की आत्मा तुझ पे फायर देता हूँ, तुझ पे आग देता हूँ, तुझे निकलने का हुक्म देता हूँ। ए नशे की आत्मा तेरा मेरे जिन में कोई अधिकार नहीं, मैं तुझे आग देता हूँ। समझ के प्रेयर करो, अकेला फायर मत बोलो। आज फायर प्रेयर आपने सीखनी है, समझ के प्रेयर करो, अकेला फायर फायर मत बोली जाओ। बोलो ए नशे की आत्मा मैं तुझे आग देता हूँ, मैं तुझे फायर देता हूँ, क्योंकि मेरे जिन में तेरा कोई अधिकार नहीं। जो शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसलिए मैं तुझे इस मंदिर में से पवित्र आत्मा से भर के तुझे आग देता हूँ। मेरे जीवन से निकल, मेरे जीवन से निकल, मेरे जीवन से निकल। बोलो घुटने टेक, ए आत्मा मेरे सामने यीशु के नाम है घुटने टेक। मेरे अंदर यीशु का आत्मा है, इसलिए मेरे सामने घुटने टेक। अपनी उस स्पिरिट का नाम लेके बोलो, ए ए आत्मा, ए शैतानी आत्मा, उस स्पिरिट का नाम लेके बोलना। आपने शैतान नहीं बोलना, उसे उसे आत्मा नहीं बोलना, आपने उसका नाम लेना है। बोलो टेक घुटने और निकल मेरे जीवन से, टेक घुटने और निकल मेरे जीवन से, टेक घुटने निकल मेरे जीवन से, टेक घुटने और निकल मेरे जीवन से। रिसीव योर डिलीवरेंस, रिसीव योर डिलीवरेंस। टेक घुटने और निकल मेरे जीवन से, टेक घुटने और निकल मेरे जीवन से। निकला बाहर, निकला बाहर, निकला बाहर, निकला बाहर, निकला बाहर, निकला बाहर। होली गोस्ट फायर। हर एक जन ने प्रेयर करनी है, ओनली तीन मिनट, तीन चार मिनट, तीन से लेकर पांच मिनट ये प्रेयर चलेगी। और अगर आप टीम के मेंबर हैं तो आपने खास करके प्रेयर करनी, क्योंकि आपको डिलीवरेंस की जरूरत है आगे बढ़ने के लिए। चाहे आप ड्यूटी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अपने मन में आपने प्रेयर करनी है। हर एक जन जो भी टीम का मेंबर सुन रहे हैं, चाहे आप कोई भी ड्यूटी क्यों ना कर रहे, गा रहे हैं, बजा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपने प्रेयर करनी है और स्पिरिट का नाम लेना और डांटना है। करो प्रेयर ऊंची आवाज के साथ। आपने बातें करनी है शैतान से, आपने बातें करनी और उसे वचन बताने हैं। बातें करो शैतान से, बातें करो और फायर रिलीज करो। बातें करनी है शैतान से, समय बात करो शैतान से। यहोवा का आत्मा आपके ऊपर है, यहोवा का आत्मा आपके ऊपर बल के साथ उतरा है। चाहे आपको महसूस हो जाए ना, आपने बिलीव करना है जो मैं बोल रहा हूं। यहोवा का आत्मा बल के साथ आपके ऊपर उतरा है। अपने मुंह को खोलो, क्योंकि मुंह में जीवन और मृत्यु है। जो इसे काम में लाना जानता है, लिखा वह भला फल पाएगा, अच्छा फल पाएगा। क्या आप अपनी जीभ को काम में लाना जानते हैं? लिखा जीभ के वश में जीवन और मृत्यु है। जो इसे काम में लाना जाता है वह भला फल पाएगा। आप अपनी जीभ को अगर काम में लाना जानते हैं तो आप ग्रेट को, मिरेकल्स को, जो आपको चाहिए उसे आप ले सकते हैं अपनी जीभ के अंगीकार के द्वारा। काम में लाओ, शैतान से बात करो, जो मैं कह रहा हूं, बात करो, बात करो। और जैसी आपकी प्रेयर है, मुझे नहीं लगता शैतान, शैतान की तो खुजली होती होगी और हंस रहा होगा वो आपने गुस्से के साथ। अगर शैतान से आपने बात करनी है, इन बातों को आप यूज करो राइट नाउ, ऑनलाइन खास करके आप चर्च। आप शैतान के सामने गुस्सा होना चाहिए अगर आप शैतान से बात कर रहे हैं। बिना गुस्से के कभी शैतान से बात ना करो, इमोशनल होके कभी भी ना जाओ। गुस्से के साथ आपने शैतान से बात करनी, बात करना मतलब शैतान से फाइट करना बातों के द्वारा। परमेश्वर से बात करना मतलब परमेश्वर से वार्तालाप करना, अपनी नजदीकियों को बनाना। बात करो शैतान से गुस्से के साथ, गुस्से के साथ। आपके चेहरे में गुस्सा दिखना चाहिए शैतान को, क्योंकि उसने आपको परेशान किया, आप कैसे चुप बैठ सकते हैं। उसने आपके हस्बैंड को टच किया, आपके बच्चे को टच किया, आपके बिजनेस को टच किया, आपकी जॉब को छुआ, आपके घराने को छुआ, कैसे चुप करके बैठ सकते हैं आप। गुस्से के साथ प्रेयर करो। इस समय गुस्से के साथ प्रेयर, ओनली गुस्से के साथ करो प्रेयर, फायर के साथ।